चलिए रायपुर का रुख करेंगे, जहां से हमारे संवाददाता रेवेंद्र सिंह राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। रेवेंद्र, राजधानी रायपुर में आज घोटालों की बारात निकलने वाली है, सबसे बड़ी अपडेट तो ये है, और इसी के साथ मौसम विभाग ने मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है, क्या पूरी जानकारी है, विस्तार से बताइए। सबसे पहले बात करेंगे घोटालों की बारात को। आपने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, बारात ऐसे निकलती है, बारात वैसे निकलती है, लेकिन ऐसे में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा कांग्रेस को घेरने के लिए जयस्तंभ चौक से शंकर नगर चौक तक एक घोटालों की बारात निकाली जाएगी, जिसमें अगर हम इसे सामान्य सामान्य शब्दों में समझे तो जितने भी अभी छत्तीसगढ़ में ईडी द्वारा चाहे गौठान को लेकर भाजपा ने जो आरोप लगाए हैं सरकार के ऊपर, सीएम भूपेश बघेल के ऊपर सीधे आरोप लगाए थे कि गौठान में भी घोटाला हुआ है, शराब को लेकर घोटाला हुआ है, और यहाँ तक कि पीएससी का घोटाला भी सामने आया था। तो इन सभी चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, जिला के पदाधिकारी और प्रदेश के प्रभारी जयस्तंभ चौक से लेकर शंकर नगर चौक तक एक घोटालों की बारात निकाली जाएगी, जहां बैनर पोस्टर के लेके वहां के कार्यकर्ताओं नारेबाजी की जाएगी, जहां पर पुलिस को पहले ही ज्ञापन दे दिया गया है किसी प्रकार की वहां पर तोड़फोड़ नहीं की जाएगी और जिस प्रकार से कोई बैरिकेड नहीं लगाया जाएगा, शांतिपूर्ण तरीके से इसे निकाला जाएगा। लेकिन जो घोटालों की बारात है उसको दो मुद्दे नजर पर देखेंगे, अगर समझाने की कोशिश करता हूं तो, जैसे कि चुनाव आने वाले हैं और चुनाव में जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव को लेते हुए जो रायपुर विधानसभा की जो सीटें हैं, चार विधानसभा रायपुर में आती है, उन विधानसभाओं में जयस्तंभ चौक से शंकर नगर चौक तक कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बारात को निकालने का मकसद यह रहेगा कि आम नागरिकों को इस घोटालों के बारे में जानकारी देना। पूर्व में जो मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से आम जनता तक जो चीजें पहुंची थी, उसके अलावा और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जो बैठकें हुई थी, जो बैठक में जो अन्य पदाधिकारियों ने, चाहे डॉक्टर रमन सिंह हो, चाहे अरुण साव हो प्रदेश स्तर, उन्होंने कार्यकर्ताओं में एक मंत्र दिया था कि जो भी प्रदेश के स्तर में जो घोटाले हुए हैं, जिन्होंने भाजपा द्वारा आरोप लगाया, कथित रूप से इसे आरोप ही कह सकते हैं क्योंकि इसे सिद्ध अभी हुआ नहीं है, लेकिन जो आरोप लगाए हैं उस तर्ज पर इस बारात को निकाली जाएगी। तो एक बड़ा कार्यक्रम आज भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से रहेगा। बात करेंगे मौसम की, तो मौसम में जिस प्रकार से अभी करवट बदली है, मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार अभी प्रदेश के कुछ जिलों में आंधी चलने की संभावना है और कुछ जिलों में बारिश भी हो सकती है, हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन रायपुर में तापमान लगभग 42 डिग्री का बना हुआ है। इसके पूर्व भी बात हो रही थी कि मौसम कुछ करवट लेगी, तो हल्की से दोपहर के बाद जो आंधी चलती है वो हवा तेज हो जाती है, गरज चमक तथा बिजली भी चलकती है, लेकिन ऐसे में अगर अन्य जिलों में हल्की बारिश होती है तो कहीं ना कहीं नमी में थोड़ी सी गिरावट आएगी, जिससे मौसम थोड़ा ठंडा होगा। लेकिन हाल फिलहाल मौसम मानसून आने का जो समय है वो 16 से 20 जून तक का है, जिसे ये देखा जा रहा है कि आने वाले समय में हल्की मौसम और शाम तक थोड़ी ठंडी रहेगी, लेकिन जो गर्मी है वो का तापमान लगभग 42 डिग्री के साथ बना हुआ है। जी रेवेंद्र, अगर आपराधिक गतिविधियों की बात करें तो राजधानी रायपुर में क्या कुछ विशेष है, आपराधिक गतिविधियों में क्या कुछ विशेष पिछले दिनों या आज देखने को मिला है? आपराधिक गतिविधियों में सबसे बड़ा खुलासा आज हो सकता है, सूत्रों के मुताबिक से खबर आई है कि रायपुर पुलिस एक बड़े राज का पर्दाफाश करेगी। मैं सिद्धार्थ आस्कटकर के अपहरण केस की बात कर रहा हूं, जहां पर उनके अपराधियों को ग्वालियर से पकड़ा गया है, ये पुलिस के अनुसार सूचना मिली है, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। जिस प्रकार से इस अपराध को अगर बड़े आपराधिक गतिविधियों में शामिल किया जाए तो कोई दोहराए नहीं है, क्योंकि जो इस प्रकार से इस अपराध को अंजाम दिया गया था, उसके घर में, उसके दुकान में घुसकर उसके सिद्धार्थ अस्तर को किडनैप करना, फिर उसे रिंग रोड एक से लेकर रिंग रोड पूरा रायपुर में घुमाकर पुलिस की नाकामंदी को देखते हुए कवर्धा जिले में जाके छोड़ देना, फिर चाकू से, पिस्टॉल से उसे डराना, धमकाना कि, और यह कहना कि उसके पिता चुनाव में खड़ा ना हो, क्योंकि उनके पिताजी के भी एक पार्टी से बिलोंग करते हैं और वो चुनाव में लड़ने वाले हैं। तो ऐसे में इस आपराधिक गतिविधियों पर पुलिस की खासा नजर रहेगी, क्योंकि जो चीजें सामने आ रही है उसकी पुलिस दो एंगल से जांच कर रही है। पहला एंगल कि क्या उस चीज की प्लानिंग पहले से हो गई थी, जो रूट बदली गई थी, जिस रूट से रिंग रोड से जो निकली गई थी, क्या वो रूट को उसी समय बदला गया था, कवर्धा में आसानी से क्यों छोड़ा गया, क्या इसके पीछे कोई अन्य लोग हैं या ऑफिस के कुछ पारिवारिक जो लोग हैं वो सदस्य सामने, तो ऐसे बहुत सारे राज हैं जो आज पुलिस उजागर कर सकती है। तो पूरी जिले की इसमें नजर बनी रहेगी कि आज पुलिस क्या खुलासा करती है, लेकिन बहरहाल ग्वालियर से तीन आरोपियों को पकड़े जाने की खबर है। रविंद्र, राजनीतिक सरगर्मी की बात करें तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को कुछ महीने ही बचे हैं और इसी के मद्देनजर दोनों ही पार्टियां वोटरों को साधने में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आज कोंडागांव जिले के दौरे पर हैं और भाजपा भी लगातार बैठकें कर रही है, क्या कुछ अपडेट है छत्तीसगढ़ की राजनीति को लेकर? छत्तीसगढ़ की राजनीति को लेकर आए दिन प्रतिदिन
बड़ा अपडेट होते रहता है। जैसे कि बात करें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, तीत प्रतिद्वंदी दोनों एक दूसरे के पार्टी को हैं, दोनों के ऊपर बयानबाजी का दौर हमेशा देखने को मिलता है। और दिन प्रतिदिन चाहे वो आरएसएस के लेके हो, चाहे बजरंग बली के मुद्दे को लेके हो, चाहे गौठान को लेके हो, चाहे तालाब पे पानी बहा देने के मुद्दे को, तमाम ऐसी चीजें हैं जिसमें नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे मुख्यमंत्री हो या कोई भी मंत्री, अभिनेत्री मंत्री, सभी एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं। हाल में रामायण का बड़ा मुद्दा राष्ट्रीय रामायण महोत्सव रायगढ़ में हुआ, उसको लेकर भी काफी बयानबाजी देखने को मिली। लेकिन राजनीतिक स्तर पर यहाँ पर हम आपको बताना चाहूंगा, 2023 का विधानसभा चुनाव केवल और केवल सरकार की योजनाओं के अंतर में जो आम जनता जो सोच रही है, जो देख रही है, उस विचार पर वो वोट करेगी। यहाँ पर दोनों पार्टी यही चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वो कब्जा करे, चाहे बस्तर संभाग हो, चाहे सरगुजा संभाग हो। नंद कुमार से मैं पहले भी इस जानकारी दे चुका हूँ, नंद कुमार साय के कांग्रेस में चले जाने से जो डैमेज हल्का सा सरगुजा संभाग में हुआ था वो अब सुधर गया है। लेकिन जो बस्तर की सीटें हैं जहां पर हाल में थोड़ा उस कोंडागांव जिले की स्थिति कुछ ठीक नहीं थी और बस्तर, उत्तर बस्तर में भी कांग्रेस का कहीं ना कहीं थोड़ी सी मार्जिन घटी थी, उसको लेकर भी कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है कि वहां से भी ज्यादा सीटें आए। यहीं पर भाजपा भी लगातार बैठकों पर बैठक ले रही है, चाहे वो अरुण प्रभारी ओम माथुर का बस्तर दौरा हो जहां पर वो 4 दिन से के दौरे में थे और उन्होंने बड़ी कामयाब से लगाई थी कि आने वाले समय में बस्तर के लोगों को अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल की योजनाओं को बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश कहां से कहां तक पहुंच गया और छत्तीसगढ़ 15 सालों में कितना विकास किया। तमाम चीजें हैं जो आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगी, लेकिन बहरहाल ये वक्त बताएगा कि चुनाव में कौन सी पार्टी किस सरकार को बैठाती है। जी रविंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद रविंद्र आपका।